सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले दो दिनों में गणपति का आगमन होने वाला है, हर घर में गणपति बाप्पा विराजमान होने वाले हैं। और जिस यहाँ हम मौजूद हैं आकाशवाणी चौक पर जलगांव के, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि गणपति के स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर गणपति की मूर्तियां मिल रही है, बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियां यहाँ पर मिल रही है। और गणपति बप्पा जो हैं वो 2 साल के बाद फुल फ्लेज में लोगों के यहाँ आने वाले हैं। फुल फ्लेज इसलिए बोल रहा हूँ कि कोरोना का काल जब चल रहा था तो उस दौरान गणपति बप्पा स्लो मोशन में आ रहे थे, लोग डरे सहमे थे, खरीदार जो थे गणपति बप्पा की मूर्तियों के वो कम थे। गणपति बप्पा इस बार आए हैं तो जो मूर्तियां हैं उनके हाल क्या हैं, जैसा कि साल भर में काफ़ी सारे रेट्स बढ़ चुके हैं, दाम बढ़ चुके हैं, कीमतें पेट्रोल डीजल सभी चीज़ की बढ़ चुकी है, गणपति बप्पा पर क्या महंगाई की मार पड़ने वाली है। हम लोग यहाँ जो शॉप के ऑनर हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या पिछले साल से जो है वो महंगी है मूर्तियाँ, या यहाँ के ऑनर कौन है? हाँ भैया, हाँ तो क्या है मूर्तियाँ जो है वो इस बार कॉस्टिंग क्या चल रही है, महंगी सस्ती? इस बार महंगा रेट चल रहे हैं, इस बार महंगा है, इस बार महंगा। हम लोगों को माल महंगा मिला है तो हम लोग भी महंगा बेचेंगे। आप लोग ये जो मूर्तियां हैं ये खुद बनाते हैं या बाहर से कहीं से लाते हैं? हम लोग खुद बनाते हैं, ये मूर्तियां बनाने को लगभग 2 से 3 महीने हम लोगों को लग जाता है, रात में 3-4 बजे तक मेहनत करते हैं। तो इस बार कितना इजाफा हुआ है, जब मूर्ति अगर पहले 200 की आ रही थी 300 की आ रही थी तो अभी कितना परसेंट का? इस बार हर मूर्ति पे 400 रुपए यानी पर मूर्ति के ऊपर बढ़ चुके हैं, यानी हम लोगों को 800-900 रुपए में जब घर में गिरती थी छोटी मूर्ति तो अभी 1100-1200 रुपए की गिरती है। जैसा कि मैंने बताया कि महा महंगाई की मार जो है वो इस बार गणपति बप्पा जो है उन पर भी पड़ेगी। सर, क्या आपको इस बार महंगाई की मार गणपति पूजा पे लग रही है? आप यस यस महंगे हुए, दुपट दाम है सब, सब चीजों का दुपट दाम, मूर्तियों के भी, मूर्तियों के जैसे नजदीक आ रहा है सर, जैसे नजदीक आ रहा तो भाव बढ़ते जा रहे हैं। कल मैं यही मूर्ति लेकर गया तो 1100-1100 रुपए की, अभी 400 रुपए बढ़ गए 1500। ये मेरा भाई है। अच्छा, तो मतलब इस बार गणपति पूजा पर भी महंगाई की मार है? यस यस। जैसा कि हमने बताया था गणपति बापा जो हैं वो आ तो रहे हैं लेकिन महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं आम लोगों को रुलाएगी। भावनाएं जो है, हमारे संस्कार जो हैं वो गणपति पूजा मनाने के लिए तो हम तैयार हैं लेकिन जो जेब पर वजन बढ़ेगा उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमको तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ शुरुआत से लेकर आखिरी तक सड़क का जो दूसरी छोर है वहाँ पर गणपति के स्टॉल्स रहते हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है और मूर्तियाँ जो है यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि रेट्स जो है इस बार कहीं ना कहीं, मैडम रेट्स क्या है गणपति के इस बार, बढ़े हैं या क्या? बढ़े हैं मूर्तियों के रेट इस बार? हाँ बढ़े, पिछली बार से हाँ बढ़े, लेकिन वो जो अपना जो सजावट है वो अच्छी है इस बार और ये एरिया में ज्यादा है, रिंग रोड एरिया में इस तरफ ज्यादा है। तो आपको लग रहा है कि जो महंगाई है वो इस बार गणपति पूजा में कहीं ना कहीं असर थोड़ा बहुत डालेगी? हाँ डाल सकती है क्योंकि इस बार कोरोना वगैरह भी नहीं है तो ज्यादा उत्साह रहेगा। महंगाई जो है वो कोरोना की वजह से तो नहीं आई बता सकते हैं लेकिन महंगाई है और गणपति जो है वो मूर्तियाँ जो है वो काफी खूबसूरत सी है। इस तरफ दिखाएंगे आपको कि अभी मैं आया हूँ येवले आर्ट्स, ये गुलाबी मार्केट में ठीक अपोजिट है सुगो की स्वीट्स के, यहाँ बेसमेंट में यहाँ हर साल ये अपना बिजनेस किया करते हैं। इनसे भी जानकारी लेंगे कि मूर्तियों की जो महंगाई की मार है वो क्या, मूर्तियों पर पड़ी है क्या है, इस बार मूर्तियाँ महंगी हुई है? हाँ सर, इस टाइम मूर्तियाँ थोड़ी महंगी हुई है क्योंकि एंड टाइम पे POP जो पाबंदी आई थी वो इस एंड टाइम पे हटा दिए तो मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा हो गई है और माल का शॉर्टेज है, इसलिए महंगाई में बढ़ोतरी आ गई है ज्यादा।
और जो बाकी के और मटेरियल्स रहते हैं, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है तो कहीं इसका भी असर? ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा है इस टाइम पे। ये मूर्तियां आप लोग बनाते हैं या लाते हैं? हम लाते हैं बाहर से, पेन पनवेल यहाँ से मूर्ति आती है हमारे। आपका नाम? भूषण येवले। भूषण येवले थे हमारे साथ, ये बता रहे थे कि ये मूर्तियां लाते हैं। और इस बार जो एग्जैक्ट उन्होंने बताया कि किस्त क्यों महंगी हुई है, क्योंकि पीओपी बीच में बंद कर दिया गया था और बाद में अभी अचानक से पीओपी जो है वो खोल दिया गया है आम मार्केट्स में बिकने के लिए, तो जो माल थे वो कहीं ना कहीं कम हो गया था और इस वजह से अभी जो महंगाई है वो पीओपी की मूर्तियों पर भी आ गई। कि गणपति जो है वो काफी खूबसूरत मूर्तियां हैं यहाँ पर और सभी और महाराष्ट्र भर में गणपति जो हैं वो इसी तरीके से विराजमान होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मूर्तियां जो हैं वो मिला करती है। ये पूरी सड़क जो है यहाँ पर पूरे जलगांव के लोग जो हैं वो इस तरीके से ये यहाँ पर मूर्तियां हैं। ये वाइट मूर्तियां हैं। मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा अंदर जाकर कि किस तरीके से यहाँ पर मूर्तियां हैं। आप ऑनर हैं यहाँ के, क्या ये मूर्तियों की खासियत क्या है? ये तुर्टी की है, जो एलम बोलते हैं अपन इंग्लिश में, हिंदी में पिटकरी बोलते हैं, उसकी मूर्ति है। पानी में जब भी डाइल्यूट हो जाती है और शास्त्र के अनुसार भी घर में रखना अच्छा रहता है, निगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है घर में की, ऐसा शास्त्र में कहा गया है, पर्यावरण पूरक है। ओके, तो महंगाई जो है इस बार की बढ़ी हुई, क्या इसमें कुछ असर कर रहा है मूर्तियों? लगभग 15-20% महंगी हो गई है। ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ये फिटकरी की मूर्तियां हैं, हिंदी में आपको बता पाऊंगा मैं। ये जो फिटकरी होती है वो पानी को साफ करने का काम करती है और उसकी बनाई हुई ये मूर्तियां खूबसूरत मूर्ति है, वाइट इसीलिए ये है, और कहीं ना कहीं पर्यावरण को पूरक जो मूर्तियां हैं वो ये हुआ करती हैं। घर में बकेट में मतलब डाइल्यूशन हो जाता है पानी में, वो ये हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है तुरंत। विसर्जित करने के लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के पानी की एक बकेट अगर रखते हैं तो वहाँ उसमें भी ये डाइल्यूट हो जाएगी, यहाँ विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आए और हमने बताया है आपको कि यहाँ स्टॉल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं गणपति पूजा में लोगों को, जनता को याद दिलाने वाली है। नानी जय।